अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आपने मेरे हुलिया पे नहीं जाना है, मैंने नया नया स्टार्ट किया, कभी कभी कर लेंगे, कभी कभी वैसे ही। तो अभी अब आए हैं यम्बो के फ्लावर फेस्टिवल में, जो 15 मार्च से स्टार्ट हुआ और 15 फेब से स्टार्ट हुआ और 9 मार्च तक ये जाएगा। रमज़ान से तकरीबन 2 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम आए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आवाम आई हुई है, इतनी आवाम आई हुई है, मतलब अभी 2 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग और ये सारी पार्किंग जो है ये भर चुकी हुई है। लोग आई जा रहे हैं और पार्किंग जो है ना 2 किलोमीटर पीछे ही ख़त्म हो गई है, मतलब आगे उधर से सब फिल है। तो यहाँ पे पार्किंग लोग ढूंढ रहे हैं और आज है 22 फेब, यौमे तासीस का दिन है, तो इसलिए जो है छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे, और इस वजह से जो है ना बाइक से भी बहुत आवाम आई हुई है, लोगों के बाइक से भी बहुत आवाम आई हुई है, इसलिए यहाँ पे इस वजह से बहुत रश है। आम दिनों में तो आते होंगे लेकिन यम्बो में लोग ज़्यादा थे, लेकिन आज बाइक से भी आए हैं और हम भी फर्स्ट डे ही आज आए हैं 15 से जब से स्टार्ट हुआ है। तो अभी जाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जानो वाला का रश देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर इस टाइम। और हम भी अभी आए हैं, सामने जो है वो एंट्रेंस है और काफ़ी कलरफुल सा माहौल है, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं अभी अंदर, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई टिकट चेक हो रही है। टिकट है यहाँ पे आने की पर पर्सन 11.5 रियाल और 2 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो फ्री हैं, तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी और उस टिकट पे आप जितनी दफ़ा मर्जी विजिट आ सकते हैं, एक दफ़ा आपको टिकट लेनी पड़ेगी। रश बहुत ज़्यादा था, और इधर आप पार्किंग देखते हैं, यहाँ पे भी सारी पार्किंग फुल हुई हुई है। तो गेट 2 से हम एंटर हो चुके हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपकी टिकट्स पे जो है ना वो बारकोड होगा, वो उसको स्कैन करके फिर आपको आने दे रहे हैं। तो ये एंट्रेंस है गेट 2 से, दोनों तरफ शॉप्स हैं और रश भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा एग्जीबिशन एरिया जितना ये भरना लगा हुआ उसका ये सारा दिया हुआ है और उसकी नंबरिंग की हुआ बताया हुआ कि किस नंबर पर क्या क्या है, अरबी में है सारा कुछ। तो अभी हम जाते हैं आगे, अभी यहाँ पे जो कुछ भी है हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे। यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं सामने बहुत तरह के झूले लगे हुए हैं।
भी बच्चों के लिए एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोड्स हैं उस पर ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और साथ गाड़ियाँ और मोटरबाइक्स हैं जिसको बच्चे यहाँ पे चला सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सी किड्स एक्टिविटीज़ थी जो आप करके गिफ्ट ले सकते हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और बाहर उन्होंने जो है वो मेन्यू भी डिस्प्ले किया हुआ है, आप वहाँ से देख के जो आपने खाना आप खा सकते हैं। नौ बजे यहाँ पे फायरवर्क्स होनी थी वो हो चुकी हैं, और हम वो देख के निकले हैं इसी के इंतज़ार में। उसी फायरवर्क्स के लिए हमने इतना वेट किया वहाँ पे बैठ के, तो अब यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, रश देख सकते हैं। रोड पे भी काफ़ी रश था, ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यही था फ्लावर फेस्टिवल और सऊदी नेशनल डे पे यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फायरवर्क्स करके सेलिब्रेट किया। खैर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।